हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं रवि पटेल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर आप सब लोगों का फिर से एक और बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम ये जो वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के बारे में। दोस्तों, अभी जैसे कि मैं ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 5 दिसंबर को, लाइव मार्केट से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और टाइम लगभग हो रहा है 2:48, मतलब 2:45 के आसपास का कुछ टाइम हो रहा है अभी जब मैं ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम उसके जो है वो सपोर्ट के बारे में डिस्कस करने वाले और जो उसके आने वाले दिनों के अंदर क्या टारगेट रहेंगे उसके बारे में हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा ये जो टारगेट होगा और जो सपोर्ट होंगे वो लगभग आपको मानने हैं मीडियम टर्म के रिगार्डिंग आपको जो है वो ध्यान रखना है। मीडियम टर्म का मतलब है कि भाई 3 से 4 महीने के आसपास जो है वो आपको ये सपोर्ट और टारगेट जो है वो ध्यान में रखना है। ये कोई इंट्राडे के पर्पज से मैं ये नहीं बता रहा, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले उसके सपोर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके टारगेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हो, जो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज है, जो अभी लगभग उसका करंट प्राइस है वो है लगभग 1300 और 14.10 के आसपास, ठीक है। और उसका जो पहला जो सपोर्ट, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, सपोर्ट नंबर 1 जैसा कि अभी मुझे लग रहा है वो है लगभग 1305 के आसपास, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 1305 के आसपास। जो उसका दूसरा जो सपोर्ट मुझे लग रहा है वो है लगभग 1278 के आसपास, मतलब 1278 के आसपास। और एक फाइनल जो सपोर्ट, जैसे कि आपको अगर लॉन्ग टर्म का जो आपका टारगेट है और आपको ध्यान में रखने वाला जो सपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो वो है लगभग 1245 के आसपास, ठीक है। अगर ये कोई भी रीज़न जी ये थोड़ा सा ब्रेक करता है तो इसका जो करेक्शन है वो थोड़ा और बढ़ सकता है, ये आप ध्यान में रखना। फाइनल जो सपोर्ट है वो आपको ध्यान में रखना है 1245 के आसपास। हाँ दोस्तों, अब हम उसके टारगेट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी हमने उसका जो सपोर्ट है वो डिस्कस किया, फाइनल सपोर्ट फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, ध्यान रखना है आपको 1245 के आसपास। अब जो टारगेट नंबर 1 जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो अभी, वो है लगभग 1350 के आसपास। और दूसरा जो उसका टारगेट है वो है लगभग 1400 के आसपास, ठीक है। और एक जो फाइनल टारगेट, जैसे कि मैं हर एक बार आपको बताता हूँ, हर एक जब हम स्टॉक के रिगार्डिंग डिस्कस करते हैं उस टाइम पे, तो जो उसका फाइनल जो टारगेट है वो आपको ध्यान में रखना है लगभग 1425 से लेके, ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है, और वो लगभग 1490 तक भी ये जा सकता है, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। और अगर कोई भी रीज़न से ये थोड़ा सा और ऊपर काटता है, मतलब 1490 अगर क्रॉस करता है, तो उसके बाद आपको ये जो टारगेट है वो थोड़ा और एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। और हम ये जो रे लिए वो लगभग 1550 के आसपास जो है वहाँ पर भी उसको जाता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसके लिए जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो कम है और टारगेट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी आप जो है वो अपने स्टॉप लॉस और वो जो है वो मेंटेन रखना। ये मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसके अंदर ऐसा जो मुझे सपोर्ट टारगेट लग रहा है इसके रिगार्डिंग हमने जो डिस्कस किया है वो, मेरा बाइंग या सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है दोस्तों। तो कैसा रहा हमारा ये वीडियो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, और हो सके उतना वीडियो को शेयर करना जिससे आप जैसे दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे आपको कॉमोडिटी और USD INR और स्टॉक के बारे में, निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली व्यू के बारे में भी आपको जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।